हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योत्सना त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिस्कवर टुगेदर में। आज का ये जो वीडियो है, इसमें ना तो मैं आपसे कोई सजेशन शेयर करूंगी, ना ही कोई टिप्स। इट्स जस्ट दैट कि मैं आप लोगों से, स्पेशली पेरेंट्स एंड सोसाइटी से ये जानना चाहती हूँ कि बीइंग इन अब्यूजिव रिलेशनशिप और एक रिलेशनशिप जिसमें चीटिंग है, उसमें रहना कितना सही है। टिल हाउ लॉन्ग अ गर्ल शुड बियर द काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और द काइंड ऑफ एब्यूजिव लैंग्वेजेस सी हैज़ टू बियर। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ कुछ इंसिडेंट शेयर करूँगी एंड आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों की क्या राय है। तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ मुझे अपने राय शेयर कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि एक लड़की जिसकी शादी उसके पेरेंट्स करते हैं, बी इट एजुकेटेड, नो मैटर अगर एजुकेटेड है या नहीं है, वो एक मेड है, वो एक सेलिब्रिटी है, वट वाई द हेल बी ऑलवेज हियर कि पार्टनर ने चीटिंग कर दी। हम हमेशा ये क्यों सुनते हैं कि यार मेरा हस्बैंड ना मुझे गालियाँ देता है या फिर फिजिकल वायलेंस होता है, हमें ये क्यों सहना है? एंड स्पेशली मेरा क्वेश्चन उन पेरेंट्स से है जो ये बोलते हैं कि नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ शादी के बाद। अगर ये इश्यूज होते हैं, कोई बात नहीं, बच्चा बच्चे हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। स्टिल अगर प्रॉब्लम रहती है तो हम बोलते हैं बच्चे जब बड़े होंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट क्या ये एक सॉल्यूशन है और क्या ये चीज़ें शॉर्टेड होती हैं? मेरा क्वेश्चन उन पेरेंट्स से और स्पेशली सोसाइटी से है जो ये बोलते हैं अगर पार्टनर चीटिंग करे तो इट्स ओके, स्पेशली जब ये लड़के करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लड़के ने किया ना, हो जाता है। अगर ये काम लड़की करे तो क्या उसके इन लॉज उसे एक्सेप्ट करेंगे? इवन इफ उसका पार्टनर उसे एक्सेप्ट करेगा, क्या नीड्स सिर्फ बॉयज़ की होती हैं, गर्ल्स की नहीं होती? तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो देखें, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। मैंने कहा था कि मैं आपके साथ कुछ इंसिडेंट शेयर करूँगी, तो मैंने अपने आसपास बहुत केसेस देखे हैं जहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ भी हुई है, मेट्स के साथ भी हुई है, किसी के हस्बैंड ने उसके साथ चीट किया। जब लड़की जाके अपने पेरेंट्स से बोलती है कि नहीं, मेरे पार्टनर मुझे चीट कर रहा है, मैं उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, उसके पेरेंट्स फर्स्ट प्लेस उनका क्या होना चाहिए कि नहीं, उन्होंने तुम्हें चीट किया, जो भी हुआ। एक बार अगर कोई इंसान आपको चीट करता है तो इट्स क्वाइट पॉसिबल वो फ्यूचर में भी कर सकता है। बट पेरेंट्स ने क्या बोला, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, चल जाता है, तुम अकेले कैसे रह सकती हो, तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हें अपने बच्चों के लिए सोचना है। लड़की 3 साल 2 साल हस्बैंड से अलग रही एंड अगेन सी बेंट बैक टू हिम। ससुराल वालों को जब ये बोला गया तो ससुराल वालों ने बोला अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर है ना, हम तुझे सब कुछ सुविधाएँ दे रहे हैं, क्या एक सुविधा एक चीटिंग पार्टनर की कमी पूरी कर सकता है? देन वो हस्बैंड अपनी बाइक पर हाथ उठाता है, उसको एब्यूजिव लैंग्वेजेस देता है, उसने उसको इतना मारा था कि उसके टांके हैं, उसके पैर में टांके लगे हुए हैं, क्या ये एक्सेप्टेड है? अगर यही काम लड़की ने किया होता तो क्या हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती, और करती तो किस हद तक करती? हम बोलते हैं हम 21st सेंचुरी में हैं, लड़के लड़कियाँ बराबर हैं, इज इट सो? आई डोंट थिंक सो। कहीं भी लड़के लड़कियां बराबर नहीं है, सिर्फ कह देने से 10 में से 1 परिवार ऐसा होगा जहां एक्चुअली में गर्ल्स आर ट्रीटेड कि ठीक है, लड़कों के बराबर है। अदरवाइज हमेशा चाहे फैमिली में हो, घर में हो, लड़के भाई हैं बहनों को डोमिनेट करते हैं, ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे, यहाँ नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, इससे बात नहीं करोगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, आप उनसे क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। पहले लड़कियों को अपने पेरेंट्स को आंसर करना होता है, शादी हो गई अपने पार्टनर को आंसर करना होता है। आप लोग जॉब करते हो, मेरे पास बहुत केसेस हैं जहाँ पर लड़की गवर्नमेंट जॉब में है लेकिन स्टिल सी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर हर सैलरी। क्यों? क्या लड़का अपनी सैलरी ला करके अपनी वाइफ को देगा? नहीं देगा ना। तो फिर लड़की अपनी सैलरी बॉयज लड़कों को ला कर क्यों दे? वो उसकी सैलरी है। एज पर नॉर्मली लड़कों का काम होता है कि अगर हम ये रूल्स सेट करते हैं जो सोसाइटी ने सेट किया हुआ है, लड़कियाँ घर संभालेंगे, लड़के परिवार संभालेंगे, राइट? अब चूंकि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लड़के लड़कियाँ दोनों जॉब करते हैं, तो
तो क्या लड़के घर में आकर के किचन का काम करते हैं? नहीं करते। लड़की जॉब कर रही है बट स्टिल उसे आकर के घर मैनेज करना है। तो जब लड़की घर भी मैनेज कर रही है, लड़की जॉब भी कर रही है, तो फिर लड़की अपनी सैलरी लड़के को क्यों दे? उसका क्या उसकी सैलरी पर कोई कंट्रोल नहीं है? मतलब वो पूरे दिन मेहनत करे, घर में भी करे, ऑफिस में भी करे, डबल प्रेशर ले, बच्चों को भी संभाले, और उसके बाद भी उसको अपनी ही सैलरी किसी और से मांगनी पड़ेगी? इज इट जस्टिफाइड? एक केस उसने अपने मायके जाने के लिए बोला कि नहीं मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है, एंड जस्ट हस्बैंड ने उसको इतना मारा कि उसकी हाथ फ्रैक्चर कर दिया, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आज भी लड़की जानती है कि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है, बट वो उसके साथ रहने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि लड़की के पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। वो उनका कहना है कोई बात नहीं, जब बच्चे बड़े होंगे तो सुधर जाएगा। क्या हम इस तरीके की अपब्रिंगिंग अपनी आने वाली जनरेशन को देना चाहते हैं? हम जो चीज़ें सहन कर रहे हैं, मैं ये मानती हूँ अगर आपको कोई मेंटली अब्यूज़ कर, फिजिकली अब्यूज़ करता है, अगर कोई आपको एब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ करता है, एंड यू आर वियरिंग इट फॉर द सेक ऑफ योर किड्स, फॉर द सेक ऑफ योर सो कॉल्ड सोसाइटी, मेरा ये जानना है और ये समझना चाहती हूँ कि क्या ये आपके बच्चों को सही मैसेज देता है? क्या आपके बच्चे ये देखते हैं कि आपके पार्टनर आप पर हाथ उठा रहा है तो क्या बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा? क्या आप अपने पार्टनर का रिप्लिका तैयार नहीं कर रहे हो? अरे ठीक है, पार्टनर की जरूरत होती है, लेकिन जिस तरीके से एक लड़की के बिना परिवार नहीं चलता, उस तरीके से क्या लड़की जब जॉब कर सकती है, लड़की जब घर संभाल सकती है, तो क्या वो अपने आप को अपने बच्चों को नहीं पाल सकती? और पेरेंट्स, आपने अपने बच्चे सिर्फ इसीलिए पैदा किए कि ठीक है हमने पैदा कर दिया, लड़की की शादी हो गई, हम जिम्मेदारियों से फ्री हो गए, तो भाई इससे अच्छा तो तुम लड़कियों की शादी मत करो, और अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो फिर लड़कियों को पैदा मत करो। तुमने शादी कर दी एक एब्यूजिव पार्टनर के साथ, वो चली गई, मेंटल ट्रॉमा झेल रही है, फिजिकल वायलेंस झेल रही है। हमने कितने केसेस नहीं सुने हैं जहाँ पर डाउरी के कारण लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है? कितने केसेस हमने नहीं सुने हैं जहाँ पर चीटिंग के कारण लड़कियाँ सुसाइड कर लेती हैं? कितने केसेस हमने नहीं सुने हैं जहाँ पर कि ये जो ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जहाँ पर फिजिकल वायलेंस होता है, अब्यूजिव रिलेशनशिप होती है, चाहे सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे कोई भी हो, रिलेशनशिप तोड़ते नहीं हैं? तो सिर्फ वो सेलिब्रिटी हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं, बट सिंस हम मिडिल क्लास से आते हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमें सोशल ऑब्लिगेशन को फॉलो करना इतना कंपल्शन है, कल को अगर आपकी बेटी को कुछ हो गया तो क्या सोसाइटी या क्या आपको जवाब देगी, या सोसाइटी आपकी बेटी की कमी पूरी करेगी? आपका सबसे पहला फ़र्ज एज पर मी, ये मेरा ओपिनियन है कि अगर हमारा जो पहला फ़र्ज होता है वो हमारा होता है हमारे बच्चों के लिए, एक राइट मैसेज सेट करने के लिए। राइट मैसेज ये नहीं कि आपके साथ गलत होता जा रहा है लेकिन आप सहते जाओ। क्यों सहना गलत भाई? गलत है जो गलत है, गलत है तो आप आवाज़ उठाओ। आपके पेरेंट्स को ये नहीं है कि आपके हर मैटर में इंटरफेयर करना चाहिए, उनको भी हर एक रिलेशनशिप का एक दायरा होता है, पेरेंट्स को भी वो चीज़ मेंटेन रखनी होगी, बट ऑब्वियसली व्हेन यू आप देख रहे हो कि कंटिन्यूएशन में आपकी बच्ची के साथ गलत हो रहा है, तो आप इस चीज़ का वेट क्यों करते हो कि जब कुछ हो जाएगा देन यू विल कम आउट कि अरे मेरी बच्ची को जला दिया, केस कर दो? क्यों? पहले आप लोग कहाँ थे कि आपको पता नहीं था कि आपकी बच्ची के साथ गलत हो रहा है? लॉट्स ऑफ केसेस जहाँ पर गलत पार्टनर होते हैं, पहले पेरेंट्स शांत रहते हैं और बाद में फिर अलग अलग केसेस निकल के आते हैं, हमें उस केस में क्यों जाना है? हम क्यों स्ट्रांग नहीं हो सकते? क्यों हम अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं हो सकते? पार्टनर का मतलब होता है, शादी का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, प्यार दो। इट नेवर मीन्स कि एक पार्टनर चीट करे। लड़कियाँ चीट, अगर लड़के ने चीट किया कि ठीक है पत्नी उसके साथ इंटीमेट होने में नहीं कंफर्टेबल हो रही है, जॉब्स का प्रेशर होता है, लॉट्स ऑफ घर की चीज़ें होती हैं, नहीं अगर वो एग्री हो रही है तो क्या पार्टनर जाकर के चीट कर सकता है? लाइसेंस है? और अगर लड़की की नीड पूरी ना हो तो क्या लड़की पार्टनर चेंज कर ले? लड़की जाके चीट करेगी तो क्या एक्सेप्टेड होगा? नहीं होगा ना। तो ये दोगले रूल क्यों है? मेरी कंसर्न ये है, मुझे ये समझना है, क्योंकि मैंने बहुत केसेस देखे हैं, अपने आसपास देखे हैं, जहाँ पर चीटिंग बहुत कॉमन बन चुकी है। आप अपने पार्टनर को चीट करते रहते बट स्टिल यू हैव टू बी इन रिलेशनशिप क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं करती।
सेकेंड थिंग, आपको आपकी मार पिटाई होती है, आप नीले पीले चेहरे लेकर के आ जाते हो, मेकअप से कवर कर लेते हो, बट यू हैव टू स्टे विद द पार्टनर. क्या आपका मन करेगा उस पार्टनर के साथ रहने का जो आप पर हाथ उठाता है? तो पेरेंट्स प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ रेज योर वॉइस बिफोर इट्स टू लेट. बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता, सोसाइटी कुछ नहीं करती, सोसाइटी बहुत कई केसेस में बहुत मॉडर्न हो चुकी है. इट्स जस्ट कि हमें अपने लिए राइट स्टैंड लेना है. मेरा उन लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये मत सोचो कि मेरे बच्चे का भविष्य का क्या होगा. आप बच्चे को बहुत अच्छा भविष्य नहीं दे रहे हो. एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में होकर के या एक चीटर पैटर्न के साथ होकर के आप राइट एग्जांपल नहीं सेट कर रहे हो, बल्कि आप अपने बच्चे को भी वही दे रहे हो. अगर आपकी लड़की है तो आप अपनी लड़की को बोलो कि बेटा तुम भी ऐसे सहन करना. अगर ऐसा होता है तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट कैन हैपन विथ एनीवन, राइट. और अगर हमारा लड़का है तो हम लड़के को ये बता रहे हैं कि बेटा ऐसे ऐसे होता है, आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, आपको ये फ्रीडम है, विच इज़ नॉट. तो माँ का ही ये काम होता है कि अपने बच्चों को सही चीज़ सिखाना, सही चीज़ समझाना, राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस बताना. लेकिन अगर आप खुद गलत चीज़ों को बर्दाश्त करो तो आप यू कैन नॉट रेज योर वॉइस. प्लीज़ डू लेट मी नो योर ओपिनियन ऑन दिस. आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स. थैंक यू सो मच.